हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के बहुत ही जबरदस्त टॉपिक माध्य माध्यिका बहुलक परिसर लेकर के आए हैं। इससे एक दो क्वेश्चन तय है, बिल्कुल रेलवे का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही पसंदीदा भी है, हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले माध्य की बात करते हैं। माध्य इज नथिंग बट मीन, एवरेज, इसी को हम एवरेज भी बोलते हैं और औसत भी बोलते हैं। और हम सब तो औसत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। औसत क्या होता है? औसत मतलब संख्याओं का कुल योग डिवाइडेड बाय संख्याओं की संख्या, मतलब जितने नंबर्स गिवन रहेंगे लिस्ट में उन सारे को ऐड करना है और जितने नंबर होंगे उतने से डिवाइड कर देना है। द मीन इज द एवरेज वेयर यू एड अप ऑल द नंबर्स एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इसे। फाइंड मीन या फिर एवरेज, ठीक है। एक लिस्ट दिया हुआ है 13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, 21, 13। हमें निकालना है मीन। मीन बोलिए, माध्य बोलिए, एवरेज बोलिए, सब एक ही चीज है। क्या है? संख्याओं का योग। तो योग करेंगे 13 + 18 + 13 + 14 + 13 + 16 + 14 + 21 + 13 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 3, 6, 9 डिवाइडेड बाय 9। इनको ऐड करेंगे 3, 1, 4, 4, 4, 8, 8, 6, 14, 14, 3, 17, 17, 4, 21, 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
पैंतीस वन सॉरी 15 तो हमारा मीन कितना आ गया जी 15 मीन माध्य एवरेज औसत आ गया 15। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वन टू फोर सेवन अब इसका मीन निकालेंगे। वही कहानी है इसका भी मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑर्डिनेट 1 + 2 + 4 + 7 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं 4 4 से डिवाइड किया हमने 2 + 1 = 3 + 4 = 7 = 7 = 14 डिवाइडेड बाय 4। चलिए इसको डिवाइड करेंगे हम तो 4 3 = 12 डेसिमल 2 0 4 5 = 20 तो 3.5 3.5 इनका मीन। ठीक है बहुत ही आसान है ये हम लोग को पहले से ही आता है बस एक बार रिकवर करने की जरूरत थी। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए वन का टेबल लिखते हैं एक का पहाड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका आपको मीन बताना है माध्य बताना है मतलब मीन माध्य बताना है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर टाइप कीजिए। चलिए अब सेकेंड टॉपिक मेडियन की बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है द मेडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स आफ्टर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में चाहे तो आप असेंडिंग में उसको अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग में और उसके बाद बीच वाले नंबर की जो वैल्यू होगा वही इसका मेडियन होगा। चलिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में पहले एक बार अरेंज करते हैं एग्जांपल से समझते हैं। पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज करते हैं सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है 13 कितने टाइम्स है 13 1 2 3 4 तो 13 13 13 13 फिर इसके बाद 14 है 1 2 2 टाइम 14 14 14 नेक्स्ट 16 1 टाइम 16
नेक्स्ट 18 वन टाइम, नेक्स्ट 21 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। अब इसके बीच वाले नंबर हमको ढूंढना है, तो इधर से हमने 4 छोड़ा, इधर से हमने 4 छोड़ा, बीच में क्या बच गया 14। दिस इज द मीडियन, ये क्या हो गया अपना माध्यिका। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। देखिए माध्यिका जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वैसा माध्यिका नहीं पूछेगा, वैसा मोड मीडियन कुछ नहीं पूछने वाले, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, 1 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल कंसेप्ट पर बेस्ड है, आप ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे यहां पर कितने नंबर है, यहां पर 4 है, तो अगर और ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल 1 2 4 7 इसका माध्यिका अगर हमको निकालना है, मीडियन निकालना है, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 2 4 7 असेंडिंग में है, और अगर हमने इधर से एक छोड़ा, इधर से भी एक छोड़ा, फिर इधर से दो छोड़ा, इधर से दो छोड़ दिया, मतलब बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या करते हैं ऐसे हालात में, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम बीच के दो नंबर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं और दो से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 3। तो 3 इसका हो गया मीडियन। क्लियर है, चलिए एक होमवर्क ले लेते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करेंगे। फिर से वही क्वेश्चन, 1 का टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका आप मीडियन बताएंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है आज का मोड। मोड का क्या करेंगे, मोड क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, द मोड इज द नंबर दैट रिपीटेड मोर ऑफन, ध्यान दीजिएगा, मोर ऑफन देन एनी अदर, मतलब जो लिस्ट आपको गिवन होगा उसमें देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है, मोर टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 13, एक एक करके लिख लेंगे, देखिए ज्यादा शॉर्टकट भी मत कीजिए ताकि आप आंसर गलत कर दें जानते हुए, तो आप लिख लीजिए इसमें कौन कौन सा नंबर, 13 है, 14 है, 16 है, 13 है, 14 है, 16 है, 16 है, और 18 है, और 21 है। अब देखेंगे कौन कितने बार आ रहा है, तो 13 कितने बार आ रहा है जी, जो आपको दिख रहा है उसको आप एक बार मार्क कर लीजिए ताकि उसको दोबारा रिपीट ना कर पाए, 1 2 3 4 4 टाइम्स। 14 कितने बार आ रहा है, 1 2 2 टाइम्स, 16 वन टाइम्स, और 18 वन टाइम्स, 21 वन टाइम्स। इसके बाद आप एक काम और क्या कीजिए कि बिल्कुल आपने सही ऐड किया है, सही काउंट किया है कि नहीं, 4 2 6 6 7 8 9 बिल्कुल मेरा ये 9 है और ये 9 हो गया। तो कई दफा क्या होता है कि सिमिलर जो नंबर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं और हम स्किप कर जाते हैं, तो उससे बच के रहना है क्योंकि आपसे ये बिल्कुल बनने वाले हैं, अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना कि खुद का दुश्मन खुद ही बन जाते हैं, अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे ये सारे के सारे। तो देखिए 13 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, मतलब सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 13, तो हमारा मोड हो गया जो 13 हो गया। बहुत ही सिंपल है, एक बार देखना है और आंसर करना है, ठीक है। अब एक बहुत ही जरूरी बात ये बताना है कि जरूरी नहीं कि हर लिस्ट का मोड हो ही, तो कुछ ऐसे लिस्ट है या फिर कुछ ऐसे नंबर्स के लिस्ट मिलेंगे जिसका मोड ना भी होगा। अगर मान लीजिए कि जैसे प्रीवियस एक क्वेश्चन हमने किया था थोड़ा देर पहले मीडियन में जब कर रहे थे, 1 2 4 7, ठीक है, क्वेश्चन ये अलग है। अब कहेंगे कि सर इसमें तो कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर किसी में कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है तो मोड क्या हो जाएगा उसका, 0, मोड क्या हो जाएगा, 0, तो बेहिचक आप 0 कीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए यहां भी छोड़ता हूं मैं, एक क्वेश्चन और छोड़ता हूं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 and 10 का आप मोड टाइप करें। अब आज के लास्ट टॉपिक रेंज की बात करते हैं। रेंज जैसा कि हमें पता चल रहा है, रेंज क्या होता है, रेंज मतलब अगर हम कुछ चीज बोलते हैं, कहते हैं कि इसका रेंज क्या है, मतलब यहां से यहां तक आपने आपने तो इनका डिस्टेंस जो होता था वही रेंज निकालते थे। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट, सॉरी। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रहा है। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, यहां पर 21 है, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 13 है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपको माइनस करना है, रेंज क्या हो जाएगा, परिसर क्या होगा, इसको परिसर भी बोलते हैं हिंदी में। 21 माइनस 13, अब यही हो गया अपना रेंज, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 8, तो रेंज हो गया सर 18, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड रेंज 1, 2, 4, 7, इसका रेंज क्या होगा। तो मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हुआ। रेंज के लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, ओके। चलिए अब आज के लिए इतना हुआ, आप एक क्वेश्चन इसका आंसर कीजिएगा, रेंज बताइएगा मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका आप रेंज बताइएगा। गुड, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, वेरिएंस मतलब प्रसरण लेकर के आएंगे, और कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे अच्छे। धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी फायदा हो। धन्यवाद।